नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। तेंदुए की खाल के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, खबर सिंगरौली से, जहां अपने ही रिश्तेदार को फंसाने के लिए आरोपी ने रची थी साजिश। आरोपियों के पास से एक बंदूक समेत कई तेजधार हथियार भी किए गए जब्त। आपको बता दें, सिंगरौली जिले के ओखरावल गांव में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने छापा मारा। गेंदलाल विश्वकर्मा की गौशाला में तेंदुओं की खाल मिलने से सनसनी फैल गई। पूछताछ करने में पता चला कि उसके कुछ रिश्तेदारों की रंजिश चल रही है। बदला लेने के उद्देश्य से इन्हीं लोगों ने गौशाला में तेंदुओं की खाल रखा होगा। संदेह के आधार पर तीनों रिश्तेदारों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि गेंदलाल विश्वकर्मा के आरोपियों के लंबे समय से रंजिश चलती थी। बदला लेने के उद्देश्य से 10,000 रुपये में ब्रजलाल सिंह गौड़ से तेंदुओं की खाल खरीदकर गौशाला में रखकर फंसाना चाहते थे। उक्त मामले में शामिल पांचों आरोपियों के विरुद्ध तेंदुओं का शिकार में व्यापार करने, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए जेल भेज दिया। कल 28/5 को तकरीबन मुखबिर की सूचना पे सुबह 6 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गीता लाल पिता दादू लाल के घर में तेंदुए की खाल है। तो इसके लिए सुबह एसडीओ साहब के निर्देश में एक टीम भेजा गया है और टीम ने वो तेंदुए की खाल को बरामद किया है और फर्दर इसकी बाद इन्वेस्टिगेट किया गया। तो इन्वेस्टिगेशन में और भी कई तथ्य सामने आए, इसमें कि जो गेंदा लाल जिसके यहाँ खाल बरामद की गई है, उसको फंसाने के लिए उसके कुछ रिश्तेदारों ने ये खाल उसके घर में उसके बाड़े एरिया में रखवा दी थी, जो बाहर का एरिया है। तो इसके रिश्तेदारों का नाम जैसे कांता विश्वकर्मा है, भगवान दास विश्वकर्मा और किशन विश्वकर्मा, इन तीनों को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा अपना जो ये रखना कबूल किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ये परचेज ये खाल है, उनके द्वारा तेंदुआ नहीं मारा गया, अर्जुन सिंह से उसने ये खाल बरामद की है। तो तत्काल इसमें हमारी तीन एसडीओ साहब के अंदर देश में तीन टीमें गठित की गई और तीन जगह भेजा गया लोगों को। तो अर्जुन सिंह भी टीम के द्वारा ने पकड़ा अर्जुन सिंह को और अर्जुन सिंह को उससे भी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा वो मारा नहीं गया, ये तेंदुआ बुद्धलाल सिंह के द्वारा मारा गया है। तो इसको तकरीबन कल शाम को 7 बजे जाके हमारी दो टीम ने इसको पकड़ा और इसके बाद इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में केस पंजीबद्ध किया गया है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।